नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। राजस्थान में बेरोजगारों ने गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चार विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव में कांग्रेस को हराने के लिए युवाओं ने गुरुवार से नौकरी नहीं तो वोट नहीं अभियान सोशल मीडिया पर शुरू कर दिया। राजसमंद जहां उपचुनाव होने हैं वहां युवाओं ने प्रदर्शन भी किया। जल्द ही युवा सभी चारों उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में भी सरकार के खिलाफ इसी तरह का अभियान चलाएगी। दरअसल बुधवार को मंत्रिमंडलीय समिति ने बेरोजगार की मांगों पर निस्तारण नहीं हुआ था। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा, हम लोग पिछले लंबे समय से लंबित पड़ी भर्तियों पर नियुक्ति देने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में हमारी 16 सूत्री मांगों पर सिवाय आश्वासन के कुछ लिखित में नहीं मिला। इसके अलावा स्कूल व्याख्याता 2018 के चयनित अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के बाहर धरने पर बैठे हैं। उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। सरकार के इस रुख को देखते हुए राजसमंद जिले से गहलोत सरकार के खिलाफ ये अभियान शुरू किया गया है। घर घर जाकर कांग्रेस को वोट नहीं देने की अपील यादव ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत राजसमंद विधानसभा क्षेत्र से की। यहाँ के युवा बेरोजगारों ने कांग्रेस प्रत्याशी को वोट नहीं देने के लिए घर घर जाकर मतदाताओं से अपील करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को उदयपुर भी वल्लभ नगर सीट और उसके बाद भीलवाड़ा और फिर चुरू की सुजानगढ़ सीट पर भी इसी तरह का अभियान चलाएंगे। नौकरी नहीं तो वोट नहीं अभियान को सोशल मीडिया पर भी चलाया गया है। यह जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है। दोपहर तक इस हैशटैग पर 3.50 लाख से ज्यादा ट्वीट हो चुके हैं। यादव ने कहा कि अगर सरकार ने फिर भी हमारी मांगों पर विचार नहीं किया तो 10 मार्च से चारों विधानसभा सीटों पर पोस्टर वितरण अभियान की शुरुआत करेंगे। स्कूल व्याख्यात भर्ती 2018 के चयनित अभ्यर्थी को जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। ANM, GNM, नर्सिंग भर्ती 2013 की भर्ती जल्द से जल्द पूरी की जाए। प्रयोगशाला सहायक भर्ती के 1534 पदों पर जल्द से जल्द भर्ती की जाए। 2018 पंचायत राज LGC भर्ती के 1029 पदों पर जल्द भर्ती पूरी की जाए। इसके अलावा राजस्थान पुलिस भर्ती 2018, रीट शिक्षक भर्ती 2016, सूचना सहायक भर्ती 2013, आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती 2013 की वोटिंग सूची जारी की जाए। वहीं कई अन्य भर्ती परीक्षा हैं जिनके मामले लंबित हैं, उन्हें जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज़।